कटघर थाना पुलिस टीम ने पशु व्यापारी के साथ हुई लाखों की लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटी गई नकदी, घटना में उपयुक्त बाइक और एक तमंचा भी आरोपियों के पास से बरामद किया है। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर लूट की इस घटना से पर्दा उठा दिया है। बता दें कि 4 जुलाई को कटघर थाना क्षेत्र चंदौसी रेलवे लाइन पुल के पास हाईवे पर पल्सर बाइक सवार 3 बदमाशों ने स्कूटी सवार पशु व्यापारी से 10.5 लाख रुपए, मोबाइल फोन व स्कूटी लूट की घटना को अंजाम दिया था। तब से कटघर थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी और आखिरकार कटघर थाना पुलिस ने लूट की इस घटना को अंजाम देने वाले कटघर थाना क्षेत्र के जाहिद नगर निवासी शाहरुख पुत्र आरिफ, फरीद पुत्र खुर्शीद और मुंडापांडे थाना क्षेत्र के गाँव नरखेड़ा निवासी नफीस पुत्र मोहम्मद जमील को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने इनके पास से 6,14,000 की नकदी, एक तमंचा व घटना में उपयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपी नफीस ने पुलिस को बताया कि मैं अपने भाई शकील के साथ काम करता हूं। शकील मुझे 10,000 रुपये महीना देता है। मेरे सभी भाई अलग अलग काम करते हैं। मैंने शकील भाई से कई बार अपना अलग काम करने के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। 10-12 दिन पहले मैंने अपने चचेरे भाई फैजान से बात की। फैजान ने अपने साथियों के साथ 0 पॉइंट पर मुझे मिलवाया और हम लोगों ने आपस में प्लानिंग कर ली थी कि रविवार को पागबड़े से जब पेमेंट लेकर चलेंगे तो मैं फैजान को फोन करके सूचना दे दूंगा। प्लानिंग के तहत जब पेमेंट लेते समय इमरान रहमान से रुपए लेकर गिरने लगा तब मैंने मौका पाकर फैजान को फोन करके बता दिया था कि पेमेंट लेकर निकलने वाले हैं और मैं स्कूटी को चलाकर इमरान को पेमेंट का बैग लेकर स्कूटी पर बैठाकर मैं स्कूटी चलाकर ला रहा था कि प्लानिंग के मुताबिक फैजान के साथी शाहरुख, फरीद और जिशान ने हम लोगों का पीछा किया और हाईवे पर हमारी स्कूटी के आगे मोटरसाइकिल लगाकर स्कूटी को रुकवाया तो मैंने स्कूटी रोक दी। शाहरुख, जिशान, फरीद ने तमंचा दिखाकर मेरा व इमरान का मोबाइल व स्कूटी लूट कर भाग गए। बोले सर, एक सेकंड सर, आपकी संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है। ये थाना कटघर क्षेत्र अंतर्गत जो हाईवे पड़ता है उस पर 4 जुलाई को दोपहर में स्कूटी सवार 2 पशु व्यापारियों के साथ लूट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। आज SOG एवं थाना कटघर की संयुक्त टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इस घटना में संलिप्त 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया, शाहरुख, फरीद और नफीस, जो कटघर और मुंडापांडे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके अलावा 4 अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं जो इस समय फरार हैं। उनका नाम है जिशान, फैजान, राजू और राजा। इसमें पूछताछ में ये निकल के आया है कि उस दिन जो स्कूटी पे 2 व्यक्ति जो सवार थे, जो पैसा लेके जा रहे थे, जिसमें वादी था और साथ में जो स्कूटी को चला रहा था नफीस, इस पूरी घटना की योजना और इसको कारित करने का पूरा काम नफीस के द्वारा किया गया था, जो स्वयं उस दिन स्कूटी चला रहा था। नफीस से जो पूछताछ की गई, नफीस ने बताया कि नफीस का जो भाई है शकील और जो वादी है इमरान, इसके अलावा इनके साथ एक और व्यक्ति सलीम, इन तीनों की पार्टनरशिप थी। इसमें जो अभियुक्त नफीस है ये अपने भाई के लिए काम करता था और इसको महीने के कुछ रुपये मिलते थे। ये अपने भाई से बात करता था कि आपका अच्छा व्यापार है, मुझे भी पैसे दीजिए, मैं भी अपना व्यापार करूंगा। इसके भाई ने इसको मना कर दिया। इसी से कुंठित होकर इसने अपने चचेरे भाई फैजान से मिलकर इस पूरी घटनाक्रम की योजना बनाई, इस लूट की योजना बनाई। इन दोनों ने मिलकर अन्य लड़कों को इसमें जोड़ा। इन कुल 7 लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इन्होंने पूरा प्लान किया। जब इसको पता, ये नॉर्मली पेमेंट लेने जाता था अपने भाई के तरफ से, इस प्रकार की पेमेंट जो बड़ी पेमेंट्स होती थी, तो उस दिन इसने पागबाड़ा पे इसने पेमेंट प्राप्त की थी दूसरे व्यापारी से जिनको इन्होंने पशु सप्लाई किए थे। जब ये वहाँ से चला था तो इसने फ़ोन करके अपने अन्य साथियों को बता दिया था कि अब मैं चल दिया हूँ। उसी के क्रम में बाकी साथियों ने इसकी स्कूटी का पीछा किया गया था और बीच हाईवे पर इस तरह की लूट की घटना का कारित करी, उसका आज ये सफल अनावरण हुआ है। इनके पास से कुल 6,14,000 रुपये बरामद हुए हैं, साथ ही एक तमंचा, 315 बोट, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोट और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो भी इनके पास से बरामद हुई है। अपराधी के इतिहास सर, इन लोगों इनसे पूछताछ की गई है। इसका जो मुख्य कारण है, जो इसमें जो मेन अभियुक्त है नफीस, इसके मन में जो कुंठा थी अपने भाई के प्रति, जो इसने अपने पैसे मांगे थे अपना कार्य शुरू करने की वजह से, जो इसके द्वारा नहीं
दिया गया, इसी के चलते इसने किया, इसने अन्य लोगों को जुड़ा। इसमें पूछताछ की जा रही है कि इनका अन्य लोगों का क्या आपराधिक इतिहास है, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।